दोस्तों ये ही YouTube क्रिएटर स्टूडियो सीरीज का वीडियो नंबर 5 जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं आप अपने चैनल के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, थंबनेल बनाना एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। और दोस्तों मैं अपने मोबाइल से ही अपने थंबनेल्स को बनाता हूं, क्रिएट करता हूं और उसको मोबाइल से ही अपलोड करता हूं। दोस्तों मैं मोबाइल से ही आपको थंबनेल बनाना बताऊंगा। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थंबनेल होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके माइंड में डाउट है कि आखिर थंबनेल होता क्या है, ये थंबनेल बोल रहे हैं तो थंबनेल का मतलब क्या होता है। दोस्तों थंबनेल बेसिकली अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक पिक्चर को सामने लगा देता है आपके वीडियो में YouTube। लेकिन दोस्तों अगर आप थंबनेल को क्रिएट करके अपने चैनल में लगाते हैं, अपने वीडियो में लगाते हैं, तो जो भी इस वीडियो के अंदर है तो उसका थंबनेल आप बना के मैन्युअली बना के आप उसको अपने वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैनर की तरह, और लोग उसके थंबनेल के थ्रू आपके चैनल में आएंगे, आपके वीडियो में आएंगे। और फॉर एग्जांपल आपने लगाया है कि यूट्यूब में वीडियो को कैसे व्यूज लाएं अपने चैनल में, तो दोस्तों इसका बनाया तो उसको लिख के आप रख देंगे तो लोगों को समझ में आएगा हाँ इस टॉपिक पे वीडियो है, वो आपके वीडियो को वॉच करेंगे। तो थंबनेल ये चीज होती है दोस्तों। मैं अपने सारे थंबनेल दोस्तों अपने मोबाइल से ही क्रिएट करता हूँ और कुछ थंबनेल मैंने कंप्यूटर से किए, लेकिन मैं ज्यादातर सारे थंबनेल ज्यादातर मैंने मोबाइल से क्रिएट किया है। तो दोस्तों मैं मोबाइल से ही आपको क्रिएट करना बताऊंगा थंबनेल, और बड़ी आसानी से करना बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले मैं 4 वीडियो और बना चुका हूँ YouTube क्रिएटर स्टूडियो सीरीज के ऊपर, जिसमें दोस्तों मैंने चैनल को क्रिएट करना बताया है। सेकंड नंबर में मैंने आपको लोगो कैसे डिजाइन करना ये भी बताया है। और दोस्तों उसके बाद मैंने अपने चैनल आर्ट को क्रिएट कैसे करना है वीडियो के लिए, चैनल के लिए, वो भी बताया है। साथ में अपने चैनल को वेरीफाई कैसे कराना है YouTube अकाउंट को, वो भी बताया है। दोस्तों ये सारी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जा सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने चैनल के लिए वीडियोस के लिए आसानी से कस्टम थंबनेल को इनेबल कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं। तो दोस्तों अपने YouTube वीडियो के थंबनेल बनाने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 2 एप्लीकेशन नेसेसरी हैं। हालांकि आप एक ही एप्लीकेशन से वर्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 एप्लीकेशन से किया है तो मैं आपको एकदम क्लियर बताऊंगा। और दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स मतलब इस तरीके से थंबनेल बनाना बताते हैं कि वो पूरा प्रॉपरली आता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी गलती नहीं होगी, एकदम प्रॉपरली आएगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, एकदम प्रॉपरली ऊपर से लेके नीचे तक जो भी है बराबर साइज में बनेगा। तो दोस्तों इसके लिए दोनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, पहला है पिक्सआर्ट और दूसरा है फोटो एडिटर। दोस्तों दोनों का ही मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया है, आप चाहें तो इसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर में जाके भी इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ फोटो एडिटर एप्लीकेशन में। दोस्तों इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको जाना है, पहले इस वाले में जाना है आपको, इसके बाद उस वाले में पिक्सआर्ट में जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे साइड में, तो इस पर मैं न्यू में क्लिक करता हूँ। दोस्तों न्यू में आप जाइए, इसके बाद यहाँ पे आप लिखिए 1280x720, लिखा हुआ है दोस्तों 1280x720, ये लिखिए दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पे कलर चूज़ करिए कौन सा कलर आपको चाहिए है, या तो और कोई सा चाहिए हो तो कलर तो दोस्तों फ़िलहाल मैं यहाँ पे वाइट ही लूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ओके करिए, तो ये जो साइज़ है दोस्तों इस साइज़ में हमारा जो थंबनेल है वो बनना चाहिए 1280x720p में। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं गैलरी में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा आ गया है द इमेज हैज़ बीन डाउनलोडेड, तो दोस्तों यहाँ पे अपना ये जो इमेज है ये डाउनलोड हो चुका है। बस इतना ही काम है इस वाले एप्लीकेशन का, फोटो एडिटर एप्लीकेशन का। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया, आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों पिक्सआर्ट का भी एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ही मैंने अपने चैनल का चैनल आर्ट बनाया था, और इसी से मैंने अपने चैनल का लोगो बनाया, और थंबनेल भी मैं अभी तक इसी एप्लीकेशन से बनाता हूँ। मेरे जितने भी थंबनेल हैं सारे इसी एप्लीकेशन से बने हैं, और कुछ तो मैंने कंप्यूटर से बनाए हैं, हालांकि मैं ज़्यादातर अपने मोबाइल से ही एडिटिंग करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको जब आपका पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ऑन हो जाए तो यहाँ प्लस के आइकन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सी फ़ोटो लेना चाहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंट पे नहीं जाना है और यहाँ पे चले जाना है फ़ोटो एडिटर में। तो दोस्तों ये फ़ोटो एडिटर का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इस पर चले जाइए, जिससे अभी अपन ने फ़ोटो को बनाया था।
तो फोटो एडिटर में आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आपकी वो जो फोटो आपने बनाई है वो देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये फ्री इमेज की जस्ट बगल में फोटो है जो अपन ने अभी नहीं बनाई है, वो दिख नहीं रही क्योंकि वो भी वाइट कलर की है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों ये देखिए ये अपन का जो है साइज आ गया। अब दोस्तों इस पर आप जो भी अपने चैनल का बनाना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, जैसा भी चैनल आर्ट बनाना चाहते हैं, जैसा वीडियो है उस हिसाब से आप चैनल आर्ट थंबनेल बना सकते हैं। तो जिस तरीके का आप वीडियो रखें, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूट्यूब चैनल में व्यू कैसे लाएँ उसका चैनल वीडियो बनाया, तो उस तरीके का आपको चैनल आर्ट थंबनेल बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप थंबनेल अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे बनाना है काय का कि यूट्यूब में अपने चैनल में व्यूज़ कैसे लाएं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से दोस्तों, ये तो आपकी आर्ट की जो पावर जितनी पावरफुल होगी आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा लिख दिया दोस्तों, अभी वाइट कलर में आया तो इसको मैं करूँगा रेड कलर में। कलर को इस तरीके से चेंज करते हैं और ये दोस्तों ये अपने YouTube चैनल में सब्सक्राइबर्स को कैसे बढ़ाएं। हाँ दोस्तों ये बना देता हूँ SUBS। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे थंबनेल्स को देखते होंगे, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ दोस्तों। अगर आप इस पर ओवरलैप करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे जल्दी कैसे द ढाएं, तो यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है कि दिख गया बढ़ा। और यहाँ पे दोस्तों मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसका कलर और चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आप कैसे जाना है यहाँ पे ऐसे, और दोस्तों ये मैंने लगा दिया। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहते हैं छोटी सी फ़ोटो भी लगाना, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए, और या तो दोस्तों आप पहले इसको इतना क्लियर कर दीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर और जो सी भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पिक्सआर्ट में गया, ये सारे मेरे थंबनेल दोस्तों जो बने हुए हैं ये सब पिक्सआर्ट से ही बने हुए हैं। ये वाली फोटो अगर लगाना है तो इस तरीके से आप फोटो की सेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ पे फोटो ऐड कर दी, इस तरीके से फोटो भी ऐड कर सकते हैं। और ये दोस्तों मैंने राइट पे क्लिक कर दिया, तो ये अपना जो यूट्यूब चैनल का थंबनेल है वीडियो का, तो वो अपना बन चुका है। इस एप्लीकेशन में दोस्तों ऐड बहुत आता है। यहाँ पे सेव में क्लिक करा, स्किप कर दिया, जो अपना दोस्तों थंबनेल है वो बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इस थंबनेल को आपको अपने YouTube चैनल के वीडियो में कैसे अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल वो जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो को अपलोड किया था, उस वीडियो में अगर हमें इस थंबनेल को लगाने तो कैसे लगाएं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चले जाइए वापस अपने क्रोम ब्राउज़र में और अपने यूट्यूब चैनल में चले जाइए। उसके बाद लॉगिन हो जाइए दोस्तों इस तरीके से। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में दोस्तों आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो वीडियो दिख जाएगी जिस पे भी आपको अपना थंबनेल लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस भी वीडियो में आपको लगाना है, यहाँ पे तो मैंने एक ही वीडियो अपलोड करी थी। अब दोस्तों यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट के ऑप्शन में क्लिक करिए। तो दोस्तों मैंने एडिट के ऑप्शन में क्लिक कर दिया है। जैसे ही दोस्तों उस वीडियो में आप क्लिक करेंगे एडिट के ऑप्शन में, तो यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपने उस पर क्या क्या लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका
टाइटल ये है चैनल इंट्रो और बने रहिए आप अरुण गुप्ता के साथ, ये है इसका डिस्क्रिप्शन और ये यहाँ पे टैग्स लिखे जाते हैं दोस्तों, तो जो कि मैंने इस पर वीडियो में नहीं लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे थंबनेल की बात आती है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल है ये तीनों, इनमें से इसने कोई सा भी आप ले सकते हैं, तो इसने ये वाला दिया था बीच वाला। अब दोस्तों आप कस्टम थंबनेल बनाना चाहते हैं, जो अपन ने बना लिया है इसको अपलोड करना चाहते हैं, तो कस्टम थंबनेल में आप क्लिक करिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जाके आप जहाँ पे भी आपका वो हो थंबनेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा रिसेंट में, इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोडिंग हो रही है, जैसे ही आप अपलोड करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करिए, ये सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब दोस्तों अब आप जाइए कहाँ पे अपने YouTube चैनल क्रिएटर स्टूडियो में, क्रिएटर स्टूडियो में गए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चैनल का थंबनेल है वो बड़ी आसानी से आपके वीडियो में लग चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने YouTube वीडियो में अब कस्टम थंबनेल को बड़ी आसानी से पुट कर सकते हैं और जैसा चाहें आप वैसा थंबनेल बना के इस पर लगा सकते हैं। दोस्तों देखा आपने हम कितनी आसानी से अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको दोनों एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन दोनों एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। या दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और टेक्निकल ज्ञान फैमिली के सब्सक्राइबर बनते हैं, मेंबर बनते हैं टेक्निकल ज्ञान फैमिली के, तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलता हूं मैं, अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।